अगर तुम उठ जाओ तो भी प्लीज प्लीज उठना मत, आराम करो, परेशान मत होना। यहाँ कैसे आई, क्यों आई, कब आई, क्या हुआ, कल बताऊंगा, सब आराम से बताऊंगा। और हाँ, नताशा सो रही है, अपना फोन देख लो। कितने प्यार से सो रही है। कॉर्नर पे सो रहा है। अगर वो एक्चुअली वो तो मैं कॉर्नर पे लेटे थे। अच्छा। तो मुझे लगा गिर जाओगे स्लीप में। ओके। मैं तुम्हें थोड़ा बीच में कर रही थी। नो वरी, कभी तो मेरे आसपास होगी, मैं कभी नहीं गिरूंगा। मैं तुम्हें इतनी आवाजें लगा रही थी, गलती मेरी है, मैंने तुम्हें जगा दिया। वैसे तुमने मुझे नहीं जगाया। मतलब मैं तो कब का उठा हुआ था। तो मैं तुम्हें आवाज दे रही थी, बोल रही थी कि शिफ्ट हो जाओ वरना गिर जाओ, वो सब अच्छा वो सब डॉक्टर ने तुम्हें कहा आराम करने के लिए। चलो आराम करो, चलो कम, चलो चलो सुबह के आराम से बात करेंगे। डॉक्टर ने कहा है ना तुम्हें रेस्ट करना है। चलो नहीं कुछ नहीं, तुम्हें क्या चाहिए, मैं हूं ना यहाँ पे। चलो मैं चलो 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 मैं बेड रेस्ट का है ना, सुबह हम आराम से बात करेंगे। एक मिनट मैं वो क्या हुआ, कुछ तो बोल, क्या हुआ। मुझे बहुत बुरे ख्याल आ रहे, मुझे लग रहा है कि ऋषि मुझे उस घर से जाने को कह देगा। अरे ये तो मैं तुझे कब से बोल रही हूँ कि तू वापस आ जा। बहुत सही थी, मैं आ गई उनके पास। मेरी जिंदगी के 7 साल, मेरा ऋषि, वो घर, मैं सब कुछ कैसे जाने दूँ। मुझे ऋषि वापस चाहिए, मुझे वो घर वापस चाहिए, मुझे मेरी नानी वापस चाहिए। मॉम प्लीज मॉम, कुछ करो मॉम, मैं सब कुछ नहीं जाने दे सकती मॉम, प्लीज। हाँ नेत्रा चुप बेटा, पानी पी। हाँ। एक मिनट मॉम, आप कुछ करेंगी ना। हाँ मैं करूंगी, मिल जाएगा ऋषि। मिल जाएगा बेटा, तू पानी पी। हाँ पानी पी, थोड़ा सा पानी पी, सब ठीक हो जाएगा। चल पानी पी, पानी पी। हाँ बेटा मैं तुझे बताऊंगी कि ऋषि को तनुजा से वापस कैसे लेना है, मैं तुझे बताऊंगी। विनोद दरवाजा खोल। अभिषेक तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें तुम्हारा प्यार वापस चाहिए? क्या? मैं जानती हूँ कैसे मिली। क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं जानती हूँ कि तुम भी तनुजा से उतना ही प्यार करते हो जितना मैं ऋषि से करती हूँ, और आज तुम्हारी भी वही हालत है जो मेरी। तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें तनुजा वापस चाहिए? हाँ लेकिन अभिषेक, प्यार में लेकिन लेकिन कुछ नहीं होता। साफ साफ बताओ तुम्हें तनुजा चाहिए तो मेरे पास एक आइडिया है। देखो नेत्रा, मुझे ऐसा कोई भी आइडिया नहीं चाहिए। मुझे लगता है तुम शायद मुझे गलत समझ रही हो। मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू, पर इस वक्त तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हूं। मैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैंने ऋषि को अपनी जिंदगी के 8 साल दिए और 8 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। अभिषेक आजकल ना प्यार मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तो मुझे साफ साफ बता क्या तुम्हें तनुजा चाहिए, बताओ अभिषेक, क्या तुम्हें तुम्हारी तनुजा वापस चाहिए? एक आखिरी चांस बनकर आई थी मैं तुम्हारे पास, पर तुमने तो वो भी खो दिया। नेत्रा मैं भी तुम्हें लास्ट टाइम बता रहा हूं, मुझे ऐसा कोई भी आइडिया नहीं चाहिए, कोई भी चांस नहीं चाहिए जिसकी वजह से मुझे प्लानिंग करने की जरूरत पड़ जाए। सच बताऊं तो कल रात तक मैं भी तुम्हारी तरह सोच रहा था कि किसी ना किसी तरह वो दोनों वापस मेरी जिंदगी में आ जाएं, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ प्यार छीना नहीं जा सकता, उसे पाना पड़ता। अभिषेक तुम एक्चुअली यू नो व्हाट,
मैंने यहाँ आकर ना अपना टाइम वेस्ट किया है। तुम तो खुद एक हारे हुए इंसान हो, तुम क्या अपना प्यार वापस पाओगे? तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। क्यों? रात भर सोए नहीं? नहीं। तो फिर क्या कर रहे थे? तुम्हें देख रहा था। क्या हुआ? क्या तुम मेरी एक विश पूरी कर सकते हो? मैं तुम्हारी सारी विशेस पूरी करता हूँ। पूछो। सही सही। देखो बहुत कुछ बदल गया है। ओके। मतलब मेरे लिए सब कुछ अब बहुत नया है। okay. कहने को ये वही कमरा है, वही बेड है, वही तुम हो। मैं तो वही रहूंगा। आगे बोलो। मेरे लिए सब कुछ बहुत नया है और मैं बिल्कुल भी ऐसे कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाऊँ, प्लीज। ओह मतलब मैं तुम मुझे काउच पे सोते देखते हो, तुम्हें अजीब लगता है। नहीं, डोंट वरी, मैं कल से वहां जमीन पे सोऊंगा, तो मैं तुम्हें दिखूंगा भी नहीं, मैं काउच से गिरूंगा भी नहीं। सॉल्व। आगे कुछ करो। बात सिर्फ सोने की है ना, फिर मैं चाहे यहाँ सोऊं चाहे रूम में सोऊं। तुम गेस्ट रूम में क्यों? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा गेस्ट रूम में क्या करूं। हर सवाल का ना जवाब नहीं होता मेरे पास, और जरूरी तो नहीं कि हर बात का सवाल भी हो। सोना ही तो है ना, मैं यहाँ सोऊं वहां सोऊं, बात तो एक ही है। तुम वहां नहीं सोगी, सोगी तो क्या हम अलग हो जाएंगे? तुम पागल हो? मैं कौन सा दूसरे घर में जाने की बात कर रही हूँ? गेस्ट रूम में तो जाने की बात कर रही हूँ, इसी घर के दूसरे कमरे में जाके सोने की बात कर रही हूँ ना। तुम गेस्ट रूम में नहीं सोगी, बस खत्म। एक्चुअली मैं ही पागल हूँ, सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी अपनी गलती से सीखी नहीं, अभी भी मैं तुमसे पूछ रही हूँ। सबसे बड़ी स्टूपिड हूँ। स्टूपिड नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, प्लीज। अगर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो देखो सारे घर में ना पत्नियों की चलती है, हर पति अपने पत्नी की बात मानता है। तुम मेरी बात नहीं मानोगे क्या? मानूंगा। एग्जैक्टली। तो मैं चाहती हूँ कि मैं गेस्ट रूम में जाके सोऊं। तो मैं प्रॉब्लम है? Do you have a problem with that? Thank you, excellent. Thank you very much. तुम्हारा फोन। वाह, क्या स्टाइल है! ऋषि सिंह बेबी पे हक जमाया, बोल्ड कर दिया बिल्कुल। वाह अंबो, खुश हुआ। रोके रोके, पीतरा बेटा वो तेरी मॉम का फोन आया था। वो एक्चुअली मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी तो मॉम के यहाँ चली गई थी। हाँ नहीं वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तेरी मॉम का फोन 2 घंटे पहले आया था। इतनी देर कहाँ थी तू? कहीं गई थी काम से। यही तो पूछ रही हूँ, कहाँ गई थी? अगर मैं आपको बता भी दूंगी तो आप कुछ कर पाएंगी? आज तक कुछ कर पाई हैं आप मेरे लिए? जो आज कुछ करेंगी? नहीं ना, तो क्या फर्क पड़ता है मैं कहाँ गई थी? एक मिनट, ये किस तरह से बात कर रही है तू मेरे साथ? रोली सॉरी मॉम, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। रोली सॉरी। इधर बैठ। हाँ इधर बैठ, बता मुझे, बता। बताने से जी हल्का हो जाता है, बता। मॉम मैं वो अभिषेक से मिलने गई थी, मैं उससे कहने गई थी कि कुछ भी करे बस तनुजा को वापस बुला ले। मॉम मुझे तनुजा इस घर में नहीं चाहिए। बेटा वो सब ठीक है, पर तू मुझे बिना बताए अभिषेक से मिलने क्यों गई? मुझे बताना चाहिए था ना। खैर अब जो कुछ भी हुआ, पर आज के बाद तू अभिषेक से नहीं मिलेगी। देख बेटा मैं उसे जानती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है वो। ये जानते हुए भी कि तनुजा किसी और से प्यार करती थी, उससे प्यार करता रहा, वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, उसका साथ दिया उसने। देख बेटा वो तनुजा से बहुत प्यार करता है और उसे पाने के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा। अब इस रूम को बीवी लाइक रूम बना है, कैसे बना? क्या करूं? ये स्कोप आशिफ, अरे यार कुछ क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हो। मेरे बारे में सोच रही हो? नताशा के बारे में, वो यहाँ बहुत खुश है।
मतलब खुश तो वो अभिषेक के घर में भी थी। अभिषेक ने कभी कोई कमी नहीं रखी, उसकी सारी विशेष पूरी की। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि नताशा आज अपने परिवार के बीच में है। ये खुशी उसके लिए उसकी पराई खुशी नहीं, अपनी खुशी, अपने घर, अपने परिवार में रहने वाली खुशी। कर देगा? मैं कर लूंगी। ओके। सीटी क्यों बजाए? तुमसे बात करनी। बात करनी है तो बात करो ना, सीटी क्यों बजा रहे हो? जानते नहीं सीटी बजाना गंदी बात होती है? और वैसे भी तुम्हें कहां से समझ में आएगी, तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। मेरी बात समझने के लिए अकल चाहिए और वो तुम्हारे पास है नहीं। सीटी बजाता है। ओह गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। व्हाट गुड? इसमें गुड क्या है अब? कि तुम्हारे पास दिमाग है, अकल है। देखो पति पत्नी जो है वो रूम शेयर करते हैं, चीजें शेयर करते हैं, तो दिमाग भी शेयर करना चाहिए ना। यस। मैं तुम्हें इतना सुनाती हूँ, तुम्हें कुछ मतलब तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे मैं तुम्हें सुनाने की परमिशन जो दी है मैंने, सिर्फ तुम्हें, नोबडी एल्स। अच्छा चलो मेरे बेड से उठो, उठो। क्यों? क्यों मतलब मेरा बेड है, उठो। ए, तुम्हारा नाम लिखा है यहाँ पर? हाँ मेरा नाम लिखा है, चलो उठो। मैं नहीं उठूंगा। ओके घूरू मत, रिलैक्स, ब्रीथ। मैं चलो जाओ ऐसे। मैं ये काउच, ये दिस इज नाइस, ये मैं काउच पे सो जाऊंगा, दिस इज नाइस। व्हाट? काउच पे क्यों सो जाओगे? काउच पे तो ओह तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ बेड। नॉट, यू आर नॉटी गर्ल। आई नो व्हाट यू मारे मुझे। तुम्हें काउच पे सोना है, अपने रूम के जाके काउच पे सो। एक मिनट, पहले खुद रात को मेरे पास आती हो, ठीक है? और अब जब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम्हें ऑब्जेक्शन हो रही है? तुम्हारे नाम में हाँ है, मैं जानता हूँ। प्लीज मुझे इस रूम में अकेले सुना। ओके प्लीज चीटिंग मत करो। तुमने कहा तुम्हें गेस्ट रूम में सुना, मैंने कहा ठीक है। तुमने ये नहीं कहा तुम्हें अकेले सुन, और वैसे भी तुमने ये कहा था कि हम वहाँ सोए यहाँ सोए, की फर्क पड़ता है? इट्स ओके। मैंने कहा था मैं यहाँ सो या वहाँ सो, क्या फर्क पड़ता है? ओके मुझे यहाँ अकेले रहना है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा मी टाइम चाहिए। ले लो इतना स्पेस है, टेक योर मी टाइम। मैंने डिसाइड करा कि हम दोनों इसी रूम में सोएंगे, बस जहाँ पत्नी वहाँ पत्नी का गुलाब, बस। ऋषि प्लीज अब ये मस्ती मजाक बंद करो। ओके ये सीटी मारना, ताली बजाना, ये छेड़ना छाड़ना बंद करो। बहनो मेरी बना लो, बहन भी बना। हाँ पर तुम्हें नहीं, बाकी सबको। आई हेट यू, आई हेट यू टू, आई लव यू। जाओ इसे, चलो निकलो, निकलो। अरे 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 तुम क्या कर रहे हो तुम दोनों? एनीवेज बीजी तुम दोनों को नीचे बुला। चलो बीजी बुला रही। हाँ चलो, हाँ चलो बीजी 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 चलो। ये ट्रेन बना के ऐसे कर, तू रेत को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रही है जो कभी नहीं हो सकता। ये जो तूफान आया ना, उस तूफान को गुजर जाने दे, बस उस तूफान को गुजरने का इंतजार कर बेटा, इंतजार कर। अभी उनका नया नया मिलन हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, सब। तो क्या कर रहे हो? उनको मिलते हुए देखो। नहीं मां, मैं जब भी तनुज और ऋषि को साथ देखती हूँ मुझे क्या हो जाता है, खुद समझ नहीं आना। नहीं बेटा, नहीं दीदी, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। देख बेटा, तू थोड़े दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मैं ऋषि की मां, प्लीज मुझे मत भेजो मां, प्लीज। मित्रा प्लीज शांत हो जा। देख बेटा, मैं ऋषि और तनुजा को अच्छे से जानती हूँ, तो ज्यादा दिन तक बिना लड़े नहीं रह सकते। और जिस दिन उनकी बड़ी लड़ाई हुई ना, तब मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। बेटा मुझे पक्का विश्वास है कि ऋषि तुझे ही मिलेगा। कब मिलेगा ना मॉम? हाँ तुझे ही मिलेगा, चुप कर जा। अरे गृह प्रवेश करना है। ओह कम, चलो चलो। इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है, बीजी ने कहा तो जरूरत है। क्यों
चलो दोनों बाहर जी। चलो चलो। आज तो मैं हक से स्वागत करूंगी। स्ट्राइक से भी। आशीर्वाद तो दे दे। एक गल कान खोल के सुन ले। इसके बाद अगर तूने तनुजा को कोई बद्दुआ दी ना, रब दी सुन। रानो रब दी सुन, ये हाथ नहीं रुकेगा। मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया। उस दिन ही नहीं, मैंने तो हमेशा से तुम्हें बुरा भला बोला है। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, तेरी मेरी मॉम तो हो ही नहीं सकती। मॉम तो छोड़ो, ये रानू सिंह बेदी ही नहीं हो सकती। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा तो पापा जी ने चाबी भरी है तो मॉम रिमोट पे चल रही है। जी प्लीज आप भी मुझे माफ कर दो। बस बस चल नौटंकी, आज माफी मांग रही है, कल सबसे मंगवाएगी। आग लगा दी आपने। अरे घायल कर दिया शेरनी को। यार नहीं करता तो बहू को और बेटे का कृपा पेश कैसे होता। डैड मैं चलती हूँ। नीता क्या बात है पापा जी, तुम ये कहाँ जा रही हो? तानिया लेके कहीं जा रही हो? नहीं। फिर? अकेले जा रही हूँ। पर कहाँ? तनुजा आ गई है, मुझे तो जाना ही होगा। मुझे तो कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए, इसलिए मैं यहाँ ही हूँ, क्योंकि मैं आज भी ऋषि की पत्नी हूँ, लेकिन तुम तानिया की मॉम। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम इसी घर में रहोगी हम सबके साथ, क्योंकि मेरे यहाँ आ जाने से बीता हुआ कल नहीं बदल जाएगा।
क्या हुआ, तुम अचानक चली आई? अरे बात क्या है तनुजा? तनुजा बात क्या है बताओगी तुम मुझे? तुम अरे अरे ये अरे क्या कर रही हो तुम? अरे मुझ पे क्यों फेंक रहे हो यार? मैंने क्या किया? अरे भाई अरे इतना गुस्सा क्यों? तनुजा रिलैक्स, तनुजा काम काम डाउन। अरे हैंगर है, हैंगर हैंगर से लग जाइए, फेस खराब। अच्छा काम डाउन। बात क्या? अच्छा बात क्या? इतने गुस्से में क्यों बात किया? जब नेत्रा इस घर में थी तो तुम पागलों की तरह मेरे पीछे क्यों पड़े थे? क्या जरूरत थी मुझे हलाने की? अरे मुझे मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छी नहीं लगती, लेकिन ऐसे तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, बस यही एक वजह है। तुम बताओ और कौन सी वजह है? क्यों तुम नहीं जानते? तुम तो कुछ भी नहीं जानते, तुम तो कुछ जानते ही नहीं, सब कुछ मैं ही तो जानती हूँ। मुझे लगता था कि अभी तक सिर्फ नेता की गलती है, लेकिन नहीं, सबसे बड़ी गलती सिर्फ तुम्हारी है ऋषि। सही कहा तुमने, गलती मेरी है। मैं अभी आया तो गुस्से में थी, मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं बाद में हूँ, कहाँ जाओ। कहाँ जा रहे? आज तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। देखो बात है, ठीक है बताना, पूरी बात बताओ, आधी अधूरी बात मत बताना। और गलती तुम्हारी है, तुमने नेत्रा को रोका, मैंने ही रोका। योर एफर्ट। वाह बड़े महान हो तुम, यू आर ग्रेट। तुम्हारी बेटी की माँ है वो, तुम क्या चाहते हो उसे घर से निकाल दूं? वो साथ में कहाँ रहती है? चुप, मेरे को चुप। मैंने बोला ना, मैं बोलूंगी और तुम सिर्फ सुनोगे, ओके? तुम जानते हो अकेले रहने का दर्द क्या होता है? जब जिंदगी और किस्मत इसे अकेले रहने पर मजबूर कर देती है तो कितनी तकलीफ होती है। दिल दिमाग सोच समझ सब धरे के धरे रह जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। मेरी तो किस्मत अच्छी थी जो मुझे अभिषेक जैसा बॉस मिल गया। अगर मैं नेत्रा को घर से निकाल दूंगी तो उसका क्या होगा? जरूरी तो नहीं ना कि उसकी किस्मत भी मेरी तरह अच्छी हो। तुम चाहते क्या हो ऋषि? पहले तुम कुछ बोलोगे, अभी ऐसे ही चुप रहोगे? वो गलती तुम्हारी थी, तुम गई थी, किसी को पता ही तो तुम कहां गई हो। लेकिन नेत्रा बता के जा रही थी, मतलब बता के जाएगी, तो जहाँ जाएगी मुझे पता होगा ना, हम सबको पता होगा, तो मैं पर्सनली ख्याल रखूंगा और उसके लिए अच्छा लड़का लाऊंगा, उसकी शादी करवाऊंगा सब। तुम अब उसकी शादी भी करवाओगे? मुझे बहन बना रहे हो, उसकी शादी करवा रही चाहते क्या हो तुम? तुम कर क्या रहे हो? मतलब मैं कहने का मतलब नहीं, क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो मैं बता रही हूं? तुम बहुत बुरा फंसते जा रहे हो अपनी बातों में। मुझे बताओ तुम बोलना क्या चाहते हो ऋषि से? विदी टेल मी नाउ, क्या तुम्हें कोई आया? क्या है बात देना प्लीज मैम। तुम क्या है? अभिषेक जी आपको पूछ रहे हैं। अभिषेक आ गया, अभिषेक आ गया। अभिषेक मिस कर रहा था, एक दिन में मुझसे मिला रहे। अभिषेक आ गया, अभिषेक। नहीं मतलब पत्नी है कि हिटलर? नहीं हिटलर है कि शेर? नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो भी है मेरी जान है। वैसे आज एक के ने पहली बार जिंदगी में अच्छा काम किया है, मेरी जान बचा ली उसने। एक के आई लव यू। अरे यार बीबी अब जाके तुमने मुझे फोन किया? कल रात से तुम्हारे फोन का वेट कर रहा हूँ ना। देखो तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र होती है तुम्हारी। आई केयर फॉर यू सो मच यार, कुछ हो जाता तो। इतना ज्यादा भी ख्याल मत रखो, आजकल बीवियों के बिना दीवारों जैसे सीक्रेट कान होते हैं, पर सुन लिया तो जल जाएगी। नहीं 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 नहीं, मेरी बीवी ना जल्लू टाइप की है ही नहीं। अरे शी ट्रस्ट मी यार। यू आर मिस्टेकन। आई मीन कोई भी बीवी देखेगी कि उसकी पति किसी लड़की से इतना क्यूटली और स्वीटली बात कर रहा तो किसी को भी जलन होगी। अरे यार तुम मेरी बीवी, एनीवेज तुम बीवियों के बारे में क्यों बात कर रहे हो? तुम अपने बारे में बताओ ना। ये बताओ तुम अभी पहनोगी क्या? मैंने आज पहना है पिंक ड्रेस। पिंक ड्रेस वही जो मैंने दिलाई थी तुम? व्हाई थी? आई विल कॉल यू बैक लेटर, ओके बाय। हाय। तुमने किसी को पिंक ड्रेस दिलवाई है? हाँ दिलवाई है ना। किसको दिलवाई? क्या नाम है उसका? वो उसका नाम है प्रियाली। प्रियाली हाँ। निकलो। अरे क्यों निकलो यहाँ? अरे नहीं आना, मेरी बात तो सुनो। क्यों क्या? लफंटर कहीं के किसी लड़की को ड्रेस दिलवा रहे हो और मुझे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया? नहीं मैं मेरी बात सुनो, सुनो मुझे। एक मिनट एक मिनट नहीं सुन। एक मिनट उधर उधर गेट आउट मंत्री। अरे मैं क्यों गेट आउट मंत्री? गेट आउट सुनो। अरे नहीं आप
आराम से भाई। तुम्हारे होते मैं कभी नहीं कहूंगा, ये तुम्हारे लिए ये आधा भूल। नहीं, प्यार प्यार पूरा है। वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। नहीं मतलब आओ, आओ बैठो, बैठते हैं। अरे तुम आओ, आओ बैठ। तुम्हें हो क्या? बैठो बैठो बैठो। और बताओ कि तुम क्या लोगे, मतलब क्या पियोगे, मतलब खून पियोगे? मतलब तुमने मेरी मेरी जान बचाई, तुमने मेरा बहुत खून बचाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहता हूँ, समथिंग नाइस बनाओ। ऑल माय लव। नो ओके प्लीज, मैं दो मिनट में अभी आया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी आया, अभी आया, दो मिनट। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। घर पे सब कैसे है? अच्छे नहीं है, सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। It's okay, it's fine. होता है लाइफ में, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। क्या बोला तुम्हारे? सॉरी, अरे तनुज तुम भी आ गई। वो तुम दपक नहीं थी तो हमने से बहुत बात कर रहे थे, हमने बहुत बातें की। और अब मैं इसके लिए फ्रेशली स्क्वीज जूस बनाऊंगा, स्पेशली फॉर यू, मौसमीज, फ्रेश मौसमीज। तो तुम बात करो, हम लोग आते हैं। चलो पकड़, मौसमी पकड़। ओके, सी यू, बाय। घर में सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। अरे यहाँ भी से सब बहुत मिस करते हैं। हाय। वैसे तनुजा तुम्हारी कोई जुड़वा नहीं होती ना? नहीं होती तो मैं इसकी शादी कभी नहीं करा था। पूछो क्यों? क्योंकि ये लड़का नहीं, मतलब शादी मटेरियल लड़का नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा शादी मटेरियल नहीं? देखो मैं तुम्हारी तरह एक अच्छा इंसान हूँ ऋषि। थैंक यू, मेरी तारीफ करने के लिए थैंक यू। लेकिन सॉरी, मैं तुम्हारी शादी नहीं, बिकॉज देखो साली होती है वो आधी घर वाली होती है, तुम वो अधूरे हो, तो तुम दोनों का मैच ही नहीं होता कुछ। क्यों? कोई बात नहीं, मैं भगा के ले जाऊंगा। ऐसे कैसे भगाते हो? मैं क्यों नहीं हूं? क्या किस बात पे झगड़ा कर रहे हो? जो बात है नहीं उस बात पे झगड़ा कर रहे हो। यू नो व्हाट, एट द मोमेंट तो ऐसा लग रहा है जैसे मनप्रीत तुम दोनों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, फॉर अ चेंज। वाओ, अरे तनुजा दे ताली। थैंक यू सो मच। अरे ये समझदार, अरे ना समझ, कोई समझता ही नहीं मुझे यार। तुमने समझ लगता है तुम्हारी तारीफ हो रही। एनीवेज ये जूस तुम लाए हो, जॉन को बोल देते। तुम अपने हाथों से बनाया? मैंने फ्रेशली स्क्वीज जूस। तुमने अपने हाथों से बनाया? तो फिर तो किचन में, किचन में सब कुछ ठीक है, मतलब इस बार होली दिवाली कुछ नहीं, सब कुछ। थैंक यू वेरी मच। तुम दोनों बैठो, मैं कुछ बना के लेकर आता हूं। ओके, अब प्लीज चलो। नहीं नहीं बिल्कुल। ऋषि मनप्रीत तुम देखोगे ये दोनों झगड़ा नहीं करो, और अगर इन्होंने झगड़ा किया तो तुम्हें पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, ओके, झगड़ा नहीं, नो फाइट। हाँ बैठो ना। वैसे मैं सच में ये तुम्हारे लिए बनाया है। लो पियो पियो पियो। चीयर्स। बाय ड्रिंकिंग। थैंक यू। वेलकम। देखो अर्जेंटली मुझे जाना है, प्लीज डोंट फाइट। हाँ प्लीज, दोनों लड़ना मत। ओके ऋषि, कुछ कहना है? हाँ ऋषि, तुमसे नेता के बारे में बात करनी थी। I'm really sorry, तनुजा। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे इस घर में रहने दी। तुम तो सच में बहुत अच्छी हो। थैंक यू। नेता, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू तनुजा को अच्छा कह रही है? तू जानती नहीं ये क्या है? और ये मत भूल, ये तेरी सौतन है, और सौतने कभी अच्छी नहीं होती। तू नहीं मां, अब मैं ना तनुजा के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। तनुजा बहुत अच्छी है, आप खुद ही जानती हैं। जब पहले मैं इस घर में आई तो उसने मुझे इस घर में रहने दिया, और आज तो मैं घर छोड़कर जा रही थी, उसने मुझे रोक लिया, क्या रहने को कहा, पूरा घर दे दिया मुझे। मॉम, मुझे बहुत अच्छी। मेरा ना दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है तू। मॉम आप समझ ही नहीं रहे, तनुजा तो बहुत अच्छी है, 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 बहुत अच्छी है। अभिषेक, मैं पूरी तरह समझ रहा हूँ। अरे हो सकता है उसने ऐसे ही कह दिया, उसकी बातों को इतनी सीरियसली मत लो। चुके ऋषि, मैं उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उसको मेडिकल सुपरविजन की जरूरत है। देख, एक साइकाइट्रिस्ट से मिलेगी तो हो सकता है उसके दिमाग में जो गलत चल रहा है ना वो सही। अभिषेक कुछ भी गलत नहीं है, वो 8 साल से इसी घर में है। शी इज अपसेट, फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ नहीं उसने सोचा ही था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। जस्ट गिव अस सम टाइम, शी विल बी फाइन। मैं जानता हूँ उसे। ठीक है, तुम बेहतर जानते हो। आजकल ये मंत्री पूरा दिन फोन में घुसा रहता है, जब देखो तब बस मैसेजेस देख देख के हंसता रहता है, पता नहीं क्या चल रहा है उसका।
कबर्ड में तो कुछ मिल नहीं रहा, मैं क्या करूं? बैग में देखती हूँ, शायद इसी में कुछ मिल जाए मुझे। इसमें भी कुछ नहीं है, अब कैसे बना करूं? मैं आज रात उसका मोबाइल चेक करती हूँ, मोबाइल में तो पता चल ही जाएगा ना। यार अरे प्रिंसेस, एक्चुअली बाय, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने आपको 4 times मिस किया। 4 times? मैंने आपको 10 times मिस किया। मैंने आपको 100 times। अरे तो मैंने आपको 1000 times मिस किया। मैंने 1000 से भी ज्यादा मिस किया। तो फिर आप जीत गए। मम्मा चलो ना, मम्मा मैं पापा के घर जाऊं। हाँ, इसमें पूछने क्या बात है, जाओ लेकिन इस पापा को बता के जाना, नहीं तो पापा को टेंशन हो जाएगी, है ना? ओके। चैनल तो भी चलेगी वहाँ, हमें बहुत मजा आएगा, बहुत खेलेंगे हम लोग, मजा आएगा। ओके ओके नताशा, चलो पहले कुछ खा लो। चलो चलो नाश्ता लगे, चलो चलो। अरे नाश्ते मिर्ची थी, मिर्ची में नाश्ता कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं राम चुके सब। मिर्ची तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे जैसे मैंने जानू चुके तुम्हारे नाश्ते में मिर्ची डाली हो। तजुर्बा एक्सपीरियंस जानू भाव, तुमने पहले भी ऐसा किया था, तुमने खाते दाने की थी मेरी, तुम्हें मजा आता मुझे सताने में, सताने मजा आता है। आता तो नहीं लेकिन अब आएगा, आगे से जानू चुके तुम्हारे सारे खाने में ना बहुत सारी मिर्ची डाली। ओके, तुम्हारा तीखा प्यार मुझे अच्छा लगता है। तीखा तीखा प्यार ना, अभी तो मैं दिखाती हूँ तीखा तीखा प्यार क्या होता है। तुम्हें मिर्ची लगी? नहीं मतलब तुम्हारे खाने में मिर्ची थी? नहीं, मुझे मुझे भी तो बिल्कुल ठीक लगा। देखा, उसे मिर्ची नहीं लगी, दोनों ने एक सा खाना खाया लेकिन उसे मिर्ची नहीं लगी, लेकिन मिर्ची सिर्फ तुम्हें लगी। हाँ, तू सारा प्यार मेरे खाने में डाल दिया ना, इसीलिए बहुत मिर्ची लग रही है ना। वेट, आई हैव अ सॉल्यूशन। ये लो हनी, मतलब ये हनी तुम लोग। थैंक यू हनी, फॉर द हनी। सब नाटक है, तुम्हें सच में मिर्ची नहीं लगी? नहीं, मुझे तो बिल्कुल सही लगा, खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी था, गुड। तुम्हें भी मिर्ची नहीं लगी, सब एक्टिंग करे और टेंशन सीखो। अरे नहीं नहीं, अटेंशन सीखने, अरे मैं तुम तुम जबरी मेरा शायद तुम मेरा मत, मुझे मीठा चाहिए, मतलब 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 तुझे मिर्ची लगी, ये ले ले, पी ले पी ले पी ले पी ले पी ले, तुझे मिर्ची लगी, यस। अरे नहीं जा रहा। अरे कुछ मीठा खिला यार। मीठा 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 मीठा। तूने बताया क्यों नहीं? तू चुप क्यों खड़ा हुआ था? मैं कैसे बताता उसको? क्यों? मैं थोड़ी नहीं यहाँ पे हर रोज का खाना खाने आऊंगा, तुम हर रोज का खाना खाओगे क्योंकि हस्बैंड तुम हो। कुछ मीठा खिलाया यार, मैं मर रहा हूँ। ओए क्या कर रहे सर, तुम यार को नहीं, मैं यार मेरी भाभी नहीं चाहिए, मुझे मीठा खाना है। मीठा मीठा मीठा, रुक जा, जॉन के पास मीठा है, मीठा लेके आओ। तो सुन, कुछ मीठा होना चाहिए। मैं अरे वाह, ये तनुजा ये नया स्वीट डिश है हनी? हाँ, अरे इंटरेस्टिंग, मैं ट्राई करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हाँ ये तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। तुम्हें भी मिर्ची लगी ना, इतनी तकलीफ हो रही थी तो पहले क्यों नहीं बोला? कभी कभी ना बताना भी अच्छा होता है। और एक वो ऋषि, कुछ नहीं होता फिर भी इतना बात करता है, पटर पटर बोलता ही रहता है, कुछ भी बहाने से अपने दिल की बात मुझे बता ही देता है। और मैं चाहे जितनी भी सीरियस क्यों ना हो, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से जो जो इतना अच्छा नहीं है पर मुझे हंसा देता है। सब बहुत अच्छे से जानती हो ना, एक बात पूछूं, तुम खुश हो? That's good. अभिषेक, तुम्हारी एक चीज है मेरे पास। मुझे तुमसे प्यार। I love you. तुम पागल?
क्या? क्या बोल रहे हो? लेकिन मेरा प्यार ऋषि की तरह नहीं है। एक्चुअली मेरा प्यार बहुत सेल्फिश है, क्योंकि मैं तुमसे कुछ चाहता था। हम शादी इसलिए कर रहे थे ताकि तुम्हें नताशा नताशा मिल जाए। सॉरी। हाँ, नताशा, नताशा। अच्छा, मैं चलता हूँ। मेरी प्रिंसेस और तनुजा का ख्याल रखना। चलता हूं। बाय। चॉकलेट मिल्क कौन फिनिश करेगा? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तुम्मा तो इधर भी आ गई। मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे तो सोना है। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। दूध पीने का मन ही नहीं कर रहा और मैं रात को नहीं पीती। अरे दूध को मारो गोली, मैं तो यहाँ गेम खेलने आई हूँ। गेम कौन खेलेगा? क्या गेम? हाँ, गेम। गेम सुनते कैसे दोनों की नींद चली गई ना? गेम खेलोगे? सुनोगे क्या गेम है? क्या? तो गेम ये है कि जो भी पहले ये चॉकलेट मिल्क फिनिश करेगा उसको मम्मा की तरफ से किस मिलेगी और अगले दिन चॉकलेट भी। तो 1, 2 और 3। मैं बताती हूँ कौन जीता। दोनों ने एक साथ किया। तो पहले तानिया को किसी, तानिया को, फिर नताशा को चॉकलेट का। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। नट्टू नट्टू, तू कभी अपनी मम्मा को घर क्यों नहीं लाए? वो कितनी अच्छी है। अरे मुझे क्या पता था तानिया कि मेरी मम्मा मुझसे इंसान से प्यार करती है। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले इस घर में लेके आ जाती मम्मा को। वो तो मुझे तब पता लगा जब मेरी मम्मा मिस्टर एंसम की फोटो देख के रो रही थी। तो फिर वो दोनों एक साथ एक कमरे में क्यों नहीं रहते? उन दोनों को तो साथ रहना चाहिए ना, जैसे आहाना मासी और चाचू रहते हैं। करेक्ट। रुक, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन तू क्या करेगी? मून अंकल से प्रे करूंगी। तुझे पता है मैं मून अंकल से कुछ भी बोलती हूँ ना वो विश पूरी हो जाती है। तो ये विश तो छोटी मोटी सी है। चल मून अंकल से विश मांगते कि मेरी मम्मा पापा एक साथ रहे। ओके ओके चल। रियली प्लीज रो मत, बस कुछ ही देर में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। डोंट क्राई, प्लीज कम डाउन। मनप्रीत सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, घर में मॉम को पता चल गया है। आई एम वेरी टेंस्ड।
really don't be tensed. मैं आ रहा हूँ, सब सॉल्व कर दूंगा. इसका मतलब मनप्रीत का किसी प्रियाली के साथ अफेयर चल रहा है. हाय, ठीक हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डरा दिया तुमने मुझे. कैसे डरा है? मैं हूं ना, तुम बिल्कुल डर लगे. चलो आओ बैठो. कम 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 आओ. अरे मेरी बात तो सुनो, आओ बैठो. कम बैठो. हो गया, चलो निकलो ऐसे. अरे कैसे हुआ? मेरे रूम से निकलो. ऐसे मत पकड़ो, नहीं तो कुछ कुछ हो जाएगा. समझा करो बात को. तुम तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं चलता, बस ये गंदी गंदी बातें चलती. बहुत सारी बातें चलती हैं. क्या चलता है? मतलब बोरिंग बातें, काम की बातें. लगता तो नहीं तुम्हें देखे कि तुम कुछ और काम करते भी होगे? करता हूं ना. तुम जब नहीं हो तुम्हारे बारे सोचता, तो होते हो तुम्हारे बारे सोचता. टेक्निकली पूरे टाइम तुम्हारे बारे में सोचता. ये देखा है, प्यारी प्यारी पांच पास मिल गया तुम्हारी. पूरा एक हाथ है, पड़ गया ना तो छप जाएगा. तुम ना बहुत अनरोमांटिक हो. थोड़े रोमांस की बातें क्या करो. यहां बैठो. ये तो कितने सॉफ्ट सब तक किया. कम कम बैठ. कम यू कम एंड गेट आउट. अरे यार मेरी बात तो मेरी. अच्छा सुन 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 सुन. देखो तुम्हें अकेले में डर लगेगा, बात समझो. मुझे किसी से डर नहीं लगेगा. चल सुनो. अच्छा अच्छा देखो, तुम टेक्निकली इमोशनली फिजिकली ठीक. व्हाट? तुम ठीक हो? गुड गुड, तुम ठीक हो. एक काम करना, कल मुझे प्यारी प्यारी मीठी चाय बनाना. एक्चुअली इतने साल से कड़वी चाय पी के बोर हो गया मैं यार. रात की चाय इतनी अच्छी लगती है. चाय तो ओके, उसमें जो प्यार डालते हैं ना वो अच्छा होता है. चलो बाहर. मेरी बात तो सुनो. एक तुम देखो, कोर्ट ने हमें कहा एक ही कमरे में एक ही छत के नीचे रहना है. कोर्ट कानून, इंसल्ट मत करो. इंसल्ट करो समझा कर. अब मैं तुम्हारी इंसल्ट करूंगी. अरे मेरी नहीं गाइस. अरे मेरी बात तो सुन. मेरी वो उंगली वो अब प्यारी प्यारी मीठी मीठी चाय बनाना कल सुबह है ना. गेट ऑफ. अरे देखो हंसो मत, मैं भारी खड़ा हूं. मैं ना पूरी रात यहीं रहूंगा. हंसी तो फंसी. अरे मैं ऑफिस पहुंच गई हूं मनप्रीत. अरे यार शिट. ऑफिस पहुंच गया, मैं अभी भी यही हूं. अरे हां ना सुनो, मैं अभी ब्रेकफास्ट कर नहीं रहा हूं, तो प्लीज पैक कर देना. ओके ओके बाय बाय बाय. ये कैसे हो गया? अब कैसे बचाऊं मैं इस शादी को? क्या करूं? कहां गया? शक्कर नहीं है तनुजा यार. कौन सी चाय? अच्छी नहीं है. अरे चम्मच से क्यों मार रही हो यार? मैं जानती थी तुम यही कहोगे, इसलिए चम्मच लाई हूं. मैं बदल गई हूं उसी. इसमें तो सच में शक्कर नहीं है. पता नहीं क्या हो गया है, खाने में इतनी मिर्ची और चाय में शक्कर नहीं. जानता तुम यही सब करोगे. मैं भी बदल गया. सॉरी. इट्स ओके. मैं दूसरी चाय लाती. मेरी मेरी वो मैंने रिंग वापस कर दी. एनीवे अब तुम प्लीज जल्दी से रेडी हो जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे वरना. ऑफिस? अरे पागल हो, मैं ऑफिस से नहीं जा रहा. मैं तो सोच रहा हूँ एक लंबी छुट्टी लूँ, एकदम लंबी. चिल घर में, चिल करो, रिलैक्स करो एकदम. क्या हुआ? तुम भी छुट्टी लोगी साथ में? हाँ, मैं पागल हूँ ना तुम्हारे लिए. चुपचाप जाओ, रेडी हो जाओ. ओके क्यूरी. अच्छा और कुछ मत फेंको, मैं जा रहा हूँ. जब देखो तुम लड़ते रहते. आप बेटी ने बिल्कुल दिमाग खराब करके रखा है. उसे स्कूल नहीं जाना, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना. अच्छा, किस किस को कैसे तैयार करूँ मैं, कैसे हैंडल करूँ मैं? देखो प्रणाली, देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि शादीशुदा इंसान से प्यार करोगी तो ऐसे ही होगा. अरे देखो तुम रो मत प्लीज. इधर इधर बैठो 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 पहले बैठो बैठो. पानी 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 पियो पानी पियो पानी पियो पानी पियो. हाँ हाँ गुड गुड. देखो जो अब होना था वो तो हो गया ना, उसको हम बदल तो नहीं सकते ना, है ना? पर तुम बस रोना मत. हाँ देखो प्लीज प्लीज तुम एक बार मेरे पेरेंट्स से मिल लो. देखो प्रणाली, मैं नहीं मिल सकता यार. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इतने सारे लोगों के इतने सारे सवाल होंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? मुझसे उसे नहीं होगा यार.
प्लीज एक बार के लिए सही उनसे मिल लो, कुछ दिन के लिए वो शांत हो जाएंगे प्लीज। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है, ओके फाइन फाइन, तुम रोना बंद करो, रोना बंद करो, तुम कहती हो तो मैं मिल लूंगा, ओके मैं मिल लूंगा, ठीक है मिल लूंगा। पर यार हमारे घर वाले पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूं, हाँ कि उनकी बेटी जिस इंसान से प्यार करती है वो शादीशुदा है, उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए जिससे वो अपनी बीवी को छोड़ दे, उस प्लानिंग करे जिससे वो तुम्हें ही घर लेके जा सके। पर यार टाइम तो लगेगा ना, ठीक है सब ठीक हो जाए। तुम मनप्रीत ने इतने आगे की सोच ली, ये मुझे छोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। तान्या बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे नताशा कहाँ? मम्मा वो तो शावर लेने गई है। अच्छा बेटा आपके बाल किसने बनाए? तनुजा मम्मा ने। क्या आप तनुजा मम्मा क्यों कह रहे हो? बेटा वो आपकी मम्मा नहीं है, आपके पास एक मम्मा है और वो मैं हूँ। नहीं, अगर नताशा मेरे पापा को पापा बुला सकती है तो मैं उसकी मम्मा क्यों नहीं बुला सकती? नताशा कहती है वो बहुत लकी है, उसके दो दो पापा है तो मैं भी लकी हूँ, मेरी भी दो दो मम्मा है। नहीं ऐसा लग आपको नहीं चाहिए, आपकी बस एक मम्मा है और वो मैं हूँ। आज के बाद आप कभी भी उनको मम्मा नहीं बोलोगे, ठीक है? वरना ना मम्मा को बहुत गुस्सा आ जाएगा। आना सुबह सुबह ऑफिस में, वो भी इतने गुस्से में, कुछ तो गड़बड़ है। हे आना, यहाँ ऑफिस में कुछ काम था क्या? कुछ? अरे गुस्से में क्यों थी? ये छोटा ऐसे बहुत परेशान करता है, जरूर कुछ बड़ा कांड किया होगा। अच्छा बेटा कल रात को आप और नताशा प्रे कर रहे थे मून से कि आपके पापा और तनुजा एक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, वो ना कभी एक नहीं हो सकते। अब प्लीज ऐसे प्रेयर मत क्या करो, ओके? लेकिन सब तो यही कहते हैं कि उन दोनों को एक होना चाहिए। बेटा सब पागल है। नहीं आप पागल हो। तुम्हें I'm sorry बेटा, सॉरी। बड़ों की सेवा करते कोई थकता है क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। मम्मा को। मम्मा? क्या हुआ तान्या? तुम रो क्यों रही हो? मैंने बहुत डरावना सपना देखा। डरावना सपना देखा? पर वो तो सपना था ना, और वैसे भी डरावने सपने कभी पूरे नहीं होते, और अगर अब डरावना सपना देखना ना तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारे सपने में आके जो लोग तुम्हें डरा रहे हैं उन्हें इतना मारूंगी और बता दूंगी तुम्हारे पापा का नाम ऋषि सिंह बेदी, इतने बड़े बॉक्सर है ना वो, एक पंच मारेंगे और सारे भाग जाएंगे, ओके? अब स्माइल कर दो, गुड गर्ल। अच्छा मेरे पास बैठो। सुनो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये मैं केबिन में क्या कर रही थी? अरे भाई सेक्रेटरी है ना मेरी। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो बढ़िया, वो मेल्स वगैरह उसको भेज दिया तूने? क्या तू नर्वस क्यों लग रहा है? मैं कहाँ नर्वस हूँ, ऑल गुड। मुंह तोड़ के गई? हाँ मुंह तोड़ के ये नहीं। आना आना हाँ आना आना ऑफिस आई थी क्या? अरे हाँ बाहर मिली ना मुझसे। और आपसे मिली? तुझसे नहीं मिली। नहीं नहीं बहुत गुस्से में थी यार, मतलब बहुत रूडली बात की, नॉर्मल नहीं थी। गुस्से में क्यों थी? कुछ बिना बोले कुछ चली गई यार। तू काम का सब कुछ छोड़, तू जा माना अच्छा। हाँ ओके भाई, बाय बाय बाय। हाँ ठीक है, अरे रिलैक्स यार, ये आजकल के लड़के बिना पता नहीं क्या करते रहते हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे को एक मौका जरूर देना चाहिए। मिसेस तनुजा आप कल से मिस्टर बेदी के घर रहेंगे, और कोर्ट आप दोनों का ये डिवोर्स रिजेक्ट करता है। तुम्हारी दिल की तसल्ली के लिए मैं इतना कह देता हूं, सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए, कि अगर कभी तनुजा ने किसी से शादी की तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। सब खत्म हो गया, मैं भी सब खत्म कर दूंगी। तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीनी है, मैं भी तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी।
मैंने कुछ गलत नहीं किया, सब सही किया, सब कुछ सही किया। इस घर में सबकी सेवा की, सबसे प्यार किया, आगे पीछे घूमती रही ये सोचकर कि ऋषि मुझे मिलेगा। मिलेगा ऋषि, मुझे ही मिलेगा। हाँ तनुजा, तुम्हें जाना होगा। तनुजा खत्म, सब खत्म। हाँ तनुजा, तुम्हें मरना होगा, मरना होगा। आना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी चुप चुप, बदली बदली, कोई परेशानी है क्या? आना, तुम ऑफिस आई थी, मुझसे मिली नहीं, क्यों? ये है मेरी प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम हूँ? आना सुनो, आना, आना सुनो तो, आना क्या हुआ? अरे आना सुनो तो मेरी बात, अरे गुस्सा हो क्यों यार, ये तो बता दो। अरे आना प्लीज लिसन टू मी यार। अरे देखो देखो सुनो सुनो सुनो, गुस्सा क्यों हो तुम, क्यों हो तुम? देखो यार, इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है? प्लीज गुस्सा छोड़ दो, हाँ ये सब छोड़ो। अच्छा बताओ तुम ऑफिस क्यों आई थी? कुछ काम था, क्या हुआ? क्यों बुरा लगा? अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम्हारा ऑफिस है, कभी भी आ सकती हो। बुरा लगा कि तुम घर आ गए बिना बताए। अच्छा हाँ, या ये कहूँ कि तुम्हें बहुत अच्छा लग, या फिर मैं ये कहूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि वो सिर्फ ऑफिस में क्यों है, घर में क्यों नहीं है? ना कौन वो, क्या बातें कर रही हो यार, कब से पूछ रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रही हो? थूक दो थूक दो थूक दो। देखो नहीं बताना मत बताओ, ठीक है? आई एम ओके विद इट, जब गुस्सा शांत हो जाएगा, ठंडी हो जाओगी, तब बता देना। ओके फाइन, चलता हूँ। वाह, तुम्हारे माथे पे शर्म की शिकन तक नहीं है। शिकन क्या? ए आना रुको, आना क्या बोल रही हो तुम? आना सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हो तुम? शर्म एंड ऑल दैट, क्या बोलना क्या चाह रही हो तुम? अरे बताओ ना क्या बोलना चाह रही हो? हाथ मत लगाओ। नहीं लगा रहा, ठीक है, पर बोल क्या रही हो? हाँ, क्या नहीं लगा रहा, क्या शर्म, क्या बात कर रही हो? अरे प्रॉब्लम क्या है? नहीं बताना मत बताओ, मुझे भी नहीं सुनना। लेकिन याद रखो, आज से तुम जिंदगी अपनी खुद से जियो, तुम्हें जो करना है वो करो, और मैं भी वही करूंगा, मुझे मेरे जो दिल में आएगा मैं वो करूंगा, ठीक है? तुम अगर कहोगे ना कि तुम्हारे साथ मैं ही रहूं, तुम्हें छोड़ के चला जाऊं, तो वो भी चलो। एग्जैक्टली, तुम यही तो चाहते हो।